दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में डोम नट बताने वाला हूँ। डोम नट का चलिए सबसे पहले फ्रेंड उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d बराबर 20 mm मान लिए हैं और यहाँ से इसकी चौड़ाई 2d है, तो 2d का वैल्यू 40 mm आया है और यहाँ से इसकी मोटाई 1.5D है, तो 1.5D की वैल्यू 30 mm। और ये जो आर्क कटा है इसको बनाने के लिए यहाँ से 1.2D का आर्क लगा है यहाँ पर, तो 1.2D का मान 1.2×20 आ जाएगा 24 mm। चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन खींच लेंगे। हम सीधी एक रेखा खींच लेते हैं, लेकिन सेंटर लाइन खींचने के लिए 1:3 का लाइन खींचा, जैसा कि हम वीडियो में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह का। पहले हम इसको बनाएंगे, ये जो हेक्सागोनल नट है इसको, तो इसको तो आप बना चुके होंगे पिछले वाले वीडियो में देखकर। चलिए फ्रेंड्स, एक बार और बनाते हैं उसको। सबसे पहले 2D, तो 2D आया 40, तो सेंटर लाइन से 20 mm इधर, 20 mm इधर ये लाइन खींचेंगे। खींच दिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इसको इस सेंटर लाइन से 10 mm इधर पर एक पॉइंट लगाएंगे, 10 mm इधर पर एक इधर पॉइंट लगाएंगे। इधर एक पॉइंट लगा दिए, इधर एक पॉइंट लगा दिए। इसको भी इस हेक्सागोनल नट की हाइट होती है d बराबर h, मतलब d हमारे जितना रहेगा उतना ही ये हाइट रहेगी। तो d हम 20 mm लिए हैं, तो इसकी हाइट 20 mm होगी, इसकी हाइट 20 mm हो गई। ये हम इस तरह खींच देंगे, फिर इसके ऊपर इसको एक हल्की रेखा से इस तरह मिलाकर हम ये जो आर्क बना है बना देंगे। इसको हम बताए हैं हेक्सागोनल नट वाली वीडियो में कैसे बनेगा, इसको हम ऐसे फ्री हैंड यहाँ बना दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया है। अब इसके ऊपर अगर ये कैप बन जाएगा तो ये हो जाएगा डोम नट। तो अब हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से इसकी हाइट कितना है 1.5D, और 1.5D का वैल्यू 30 mm आया है, तो यहाँ से 30 mm पर एक पॉइंट लगा लेंगे। और ये कितने रेडियस का चाप कटा है 1.2D, तो 1.2D का वैल्यू आया है 24 mm। तो हम प्रकार में 24 mm की दूरी ले लेंगे, ये हम प्रकार में 24 mm का दूरी ले लिए हैं। अब हम इस जो पॉइंट लगाए यहाँ से इस तरह इसको रखकर इस सेंटर लाइन पर रखेंगे इस वाले हिस्से को, इसकी दूरी लेकर इस तरह, और ये हम बना देंगे। ये हमारा फ्रेंड्स डोम नट बन गया है। अब हम इसका डाइमेंशनिंग कर दे रहे हैं, इसकी ये वाली लेंथ है 2D।
आप स्केल का यूज करके बनाइएगा इसको। यह है 2D। यह 1.5D और यहाँ से इसको इस तरह इसकी दूरी दिखा देंगे 1.2D। फ्रेंड्स ये हमारा डोमनट बन गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।